मैं खुद बोल रहा हूँ मत एड ऑन करो मेरी एक्सरसाइज अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट ट्रेन करेंगे। चलो तो ऑलरेडी आपका जो कलाई है वो इस पे पंप मारेगा, करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ। इस तरीके से करना है, यानी कि इस वाले पार्ट को ट्रेन करेगा, पहला वाला मैंने के लिए किया था, ये ट्विस्ट करा, आपके फोर आर्म्स ट्विस्ट हुए, जैसे यहाँ पे फोर आर्म, अब यहाँ पे फोर आर्म ट्विस्ट हुए, ये बाइसेप एंड फोर आर्म। क्या है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो मैं जिम आ गया था और आज मैंने अपनी चेस्ट वर्कआउट करनी है, चेस्ट और ट्राइसेप करने हैं, बट आप लोगों के लिए मैं फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अब कुछ मेरे भाई ये मत बोलना कि भाई आपने अपना वर्कआउट नहीं दिखाया, क्योंकि यार देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मशीन पे ही करवाता हूँ मैं तो। और मैंने जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल रॉ और बेसिक एक्सरसाइजेस, यानी कि जो आप घर में भी कर सकते हो, और जिम में जाते हो तो ऑब्वियसली आप परफॉर्म कर सकते हो जिम में मशीनों पे, बट कुछ मेरे भाई होते हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं, घर से ही करते हैं, तो उन लोगों के लिए वो चीजें मैं लेकर आता हूँ। तो आज परफॉर्म करेंगे अपना फोर आर्म्स के लिए, कंप्लीट फोर आर्म्स करेंगे। और सच बताऊं एक चीज मैंने खुद नोटिस करी है कि जब से आप लोगों के लिए मैंने फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करा है तो मेरे खुद के फोर आर्म्स भी बहुत अच्छे डेवलप हो चुके हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मैं अपनी भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ फिजिकली। तो चलो करेंगे आप लोगों के लिए, पहली जो एक्सरसाइज होगी उस पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फोर आर्म्स को ट्रेन करने के लिए, वो होगी मेरा ये वाला पार्ट ट्रेन करेंगे, अच्छे से करेंगे, स्मार्ट ट्रेनिंग करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलें। आप अपने घर में कर सकते हो, ये सारी चीजें बिल्कुल रॉ एक्सरसाइजेस हैं। आप अपने घर में अगर आपके पास छोटे डंबल हैं, ब्रिक्स हैं, तो उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से आप अपना जो ट्रेन कर सकते हैं अपना फोर आर्म। किस तरीके से करेंगे, नई टेक्निक है, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक टेक्निक है, सिंपल है, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको किस तरीके से करेंगे। आपके पास अगर मैंने पांच का डंबल लिया, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट सिलेक्शन में लेके आए, ये वाला पार्ट ट्रेन करेंगे। चलो किस तरीके से करेंगे, आप बॉडी पूरी लॉक कर देनी है, बॉडी नहीं रोल नहीं करनी चाहिए, आपका जो हैंड है यानी कि बाइसेप ट्राइसेप ये भी लॉक कर देना है, सिर्फ आपकी एल्बो और कलाइयां चलेंगी। तो किस तरीके से चलेंगी, और जो आपका जो कलाई की जो पोजिशन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आउटसाइड में ऐसे नहीं रखना, वो इसलिए क्योंकि जब आप ऊपर स्क्वीज करोगे तो ऑलरेडी आपका जो कलाई है वो इस पे पंप मारेगा, करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आए। चलो ये इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, बिल्कुल इस तरीके से, आप देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से करना है, बॉडी बिल्कुल नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं लूज करना है, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे करोगे आप उतना ज्यादा आप लोगों को इफेक्ट आएगा, मजा आएगा करने में, आपको फील आएगा करने में। ये देखो इस तरीके से करना, होल्ड करना अपनी बॉडी को, दिमाग को कनेक्ट करना, पेन होगा इट्स ओके, बट आप लोगों को। तो गाइस अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी सेम वेरिएशन पर रहेगी, सेम पोजीशन पर रहेगी, बट इस पे हम दोनों हाथों का यूज करेंगे और ये हमारे इस वाले पार्ट को ट्रेन करेगा, यानी कि इस वाले पार्ट को ट्रेन करेगा, पहला वाला मैंने इसके लिए किया था, ये वाला मैं इसके लिए करूंगा। पोजीशन किस तरीके से रहेगी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये भी आप अपने घर में कर सकते हो, छोटे डंबल से कर लो या ब्रिक्स होती हैं उनसे, उनकी हेल्प से कर सकते हो। चलो हाथ बिल्कुल यहाँ रखने, आपकी जो पोजीशन रहेगी कलाइयों की इस तरीके से रहेगी ताकि आप जब ऊपर लाए स्क्वीज करेंगे तो आपके मसल पे पेन होगा, ट्रेन होगी अच्छे से। चलो 1 2 3 4 5 मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि पेन इतना हो रहा है ना। तो गाइस ये वाली एड ऑन करें, जरूर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मेरे कहने से एड ऑन करना, बट अपनी जो कंट्रोल है बॉडी की रोल ना होने दें, दूसरा माइंड कनेक्ट करके चलें कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए कर रहे हो तो सिर्फ इस पे पेन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो एक्सरसाइज। मैं खुद बोल रहा हूँ मत एड ऑन करो मेरी एक्सरसाइज अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो चलो चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे फोर आर्म्स के लिए। तो आज अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए, मैं ये पहले बता चुका हूँ बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मशीन पे क्योंकि कुछ लोग मेरे भाई जो जिम में भी जाते होंगे तो उनके लिए ये
बहुत अच्छी स्मार्ट फिटनेस लेके आएगी आपके फोर आर्म्स के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर आपके बाइसेप और ट्राइसेप अच्छे हैं बट आपके फोर आर्म्स अच्छे नहीं है तो वो स्मार्ट नहीं है, वो बिल्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपको प्रॉपर शेप में प्रॉपर बिल्डिंग लेके आनी है अपनी मसल्स की, फोर आर्म वाली मसल्स की, तो आप ये जरूर करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया मेरे को मशीन पे किए हुए, अदरवाइज मैं हमेशा आप लोगों के लिए करते करते आप लोगों को दिखाते मैं डंबल पे ही करता हूँ, क्योंकि डंबल पे बैलेंस बनाना पड़ता है खुद ही, फिर वो वेट करना पड़ता है, इस पे क्या है बैलेंस नहीं बनाना पड़ता। तो कभी कभी ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट आप लोगों को मैं सिर्फ यही बोलूंगा रॉ एक्सरसाइज करें, डंबल पे ले, मेरी पिछली वीडियोस में जाए देख सकते हो आप लोग। चलो इस तरीके से रहेगी, कलाइयां एकदम यहां रखेंगे, कलाई आपकी इस तरीके से रहेगी यहां पे इस तरीके से, और सिर्फ ये चलाना आपने। चलो करके दिखाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को और कनेक्ट करेगी चीजें। ये मेरी बॉडी बिल्कुल लॉक हो चुकी है, आगे हाथ है मेरा, सिर्फ ये देखो धीरे धीरे लेकर जा रहा हूं नीचे, पूरा मैंने स्ट्रेच करा है अपना कलाई को और यहां पे आके पंप मारा है यानी कि स्क्वीज किया है। ये इस तरीके से करना, बॉडी बिल्कुल लॉक है गाइस, देख सकते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म्स चल रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म्स चल रहे हैं। ये वाला पूरा आपका ट्रेन होगा, एड ऑन करें अपने रूटीन में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सच में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एड ऑन करना रूटीन में और मुझे कमेंट जरूर करना। चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे आपके लिए, मैं कर सकते हो क्योंकि मैंने खुद की है, आज मैं जिम आ सकता हूँ तो मैं इसलिए जिम आके करता हूँ, बट ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कम से कम दो तीन साल मैंने घर में की है, ये सारी चीजें सिर्फ घर में, आप ट्रस्ट नहीं करोगे इतना मजा आ जाता ना घर में करने के लिए भी। तो चलो अब तो जिम में आ जाता हूँ तो यार जिम में तो फिर ये सब सारी चीजें होती है। तो पांच के मैंने डंबल लिए, बॉडी बिल्कुल लॉक कर देना, यहां पर रखना है अपने हाथों को, और जब यहां पर आओगे ये ट्राइसेप, ये आपका बाइसेप ट्रेन हुआ, यहां पे लाओगे तो आपका फोर आर्म ट्रेन हुआ। ये इस तरीके से, ये देखो यहां पर फोर आर्म को आपने ट्विस्ट करा, देखो यहां पे बाइसेप आया, यहां पे ट्विस्ट करा, आपके फोर आर्म्स ट्विस्ट हुए, जैसे यहां पे फोर आर्म, अब यहां पे फोर आर्म ट्विस्ट हुए, ये बाइसेप एंड फोर आर्म, बाइसेप्स एंड फोर आर्म, बाइसेप एंड फोर आर्म। तो ये वाली एड ऑन करना, आपके बाइसेप और फोर आर्म्स दोनों ट्रेन होंगे बहुत अच्छे फिटनेस के साथ साथ, आपकी जो बिल्ड होगी मसल की वो आएगी। तो चलो आज के लिए मेरी तरह से इतना ही था गाइज, अच्छी लगे वीडियो, मेरी वीडियोस अच्छी लगे या चैनल पे नए हो और बिगिनर हो, ये वाली एक्सरसाइजेस एड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बने रहो मेरे वीडियोस में, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, नई टिप्स के साथ आप लोगों के लिए। तो चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।